हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फोर सक्सेस में। आज हम बात करेंगे डीएसएसबी का एक जो रिजल्ट था, लंबे टाइम से पेंडिंग था, ये बहुत पुरानी वैकेंसी है 2017 की, तो उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आ चुका है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे ही हरियाणा से रिलेटेड और जो सेंटर की वैकेंसियाँ होती है उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए। तो अगर यहाँ पर बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हो 25 है आज का ये नोटिस है। जो ये वैकेंसी थी, ये जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की वैकेंसियां थी जो दिल्ली में निकली हुई थी, अंडर पोस्ट कोड 12/17 थी, इसके अकॉर्डिंग निकली हुई थी। 15 वैकेंसियां थी, यहाँ पर आप देख सकते हो जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2017 थी और 15 इसकी वैकेंसियां थी। अगर इसकी टायर वन एग्ज़ाम की बात की जाए तो ये 6/11/2019 को इसका टायर वन एग्ज़ाम हुआ था और जिसमें टायर वन में कुल 150 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, तो उन 150 कैंडिडेटों का फिर टायर टू एग्ज़ाम हुआ था जिसमें 19 मार्च 2021 को, लगभग 1.5 साल के बाद इसका टायर टू एग्ज़ाम हुआ था जिसमें 130 कैंडिडेट अपीयर हुए 150 कैंडिडेटों में से। तो टोटल 15 कैंडिडेट जो लेने थे उसकी फाइनल लिस्ट आ चुकी है, ये यहाँ पर आप देखोगे। टोटल 15 कैंडिडेट लेने थे लेकिन जो फाइनल लिस्ट है वो 13 कैंडिडेटों की लगी है, क्योंकि 2 वैकेंट पोस्ट रह गई क्योंकि वहाँ पर सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिला। तो यहाँ पर आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हो, इसके आगे जो है वो अपलोड करना होगा आपको सर्टिफिकेट, जो भी आप कंडीशन फॉलो करते हो यहाँ पर आप इजीली अपना रोल नंबर चेक कर सकते हो। ओबीसी की ये 4 वैकेंसियाँ थी, एससी की 1 वैकेंसियाँ थी। यहाँ पर आप देख सकते हो नोट एज पर आरबी डिप्लोमा मैकेनिक्स, ये जो आपको अपलोड करना है वहाँ पर जो भी फुल कंडीशन गई, यहाँ पर आप देखोगे 15 में से 13 पोस्टें ही भरी गई हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये हो गई, तो हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं और देख लेते हैं, ये जो कैंडिडेट हैं 13 ये सिलेक्ट हो चुके फाइनली। तो यहाँ पर आप देखोगे 2 पोस्ट हैं जो खाली रह गई, अनफिल्ड 2 वैकेंसीज टोटल, यू आर ऑन अकाउंट ऑफ PHOH की और एक OBC की, इज बीनिंग रिटेंड टू द यूजर डिपार्टमेंट एज नो सूटेबल कैंडिडेट अवेलेबल, कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल पाया। UR की कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हो 81.75, OBC 71.75, ST 65.75 और PH का कोई भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं था। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी कि इस लंबी भर्ती का जो फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो ऐसे ही मोर एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, इतने आप घर पर रहें और तैयारी करते रहें, आने वाले टाइम में बहुत से एग्ज़ाम होंगे। तो ये न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी, आपने वीडियो यहाँ तक देखी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ।